गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। 5 दिन से पोखरे में डूबे व्यक्ति का शव न मिलने से स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद देर शाम शव को किया बरामद। सीओ कैंट ने कहा, बरामद शव के पोस्टमार्टम के बाद होगी स्थिति स्पष्ट। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर अपने ही गांव के लोगों से सिपाही द्वारा 28 लाख रुपए हड़पने का मामला आया सामने। एसएसपी ने आरक्षी सिपाही को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। आरोपी सिपाही के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जा रही है जांच। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी बैठक। 19 और 20 दिसंबर को जिले के 35 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। कहा, शुचिता पर रखा जाए विशेष नजर। शाहपुर थाने के चर्चित थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह को एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। संतोष कुमार सिंह को सौंपा शाहपुर थाने का प्रभार। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम ने इंदिरा बाल विहार स्थित रेस्टोरेंट संचालकों को खाद्य तेलों के प्रति किया जागरूक। कहा, 3 बार से ज्यादा उपयोग हुए तेलों का ना करें इस्तेमाल, स्वास्थ्य के लिए है हानिकारक। शाहपुर थाना परिसर में खोले गए महिला हेल्प डेस्क का एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने रिबन काट कर किया उद्घाटन। कहा, महिला संबंधी अपराध पर अंकुश लगाने के साथ ही महिलाओं की समस्या का त्वरित होगा निस्तारण। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना व मनरेगा और परफॉर्मेंस ग्रांट की बैठक। कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। स्टेट क्वालिटी मॉनिटर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ 2 दिवसीय तकनीकी सहायकों का मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। मनरेगा के तहत अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित कर रोजगार देने की बनी योजना। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 31 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,615। अब तक 332 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 390 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ पेंशनर्स गोष्ठी। पेंशनरों की विभिन्न समस्या पर हुई चर्चा। दिए गए निस्तारण के निर्देश। सम्मानित हुए लगभग 20 पेंशनर्स। और काकोरी कांड के महानायक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के बलिदान दिवस के अवसर पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दीपांजलि देकर उनके बलिदान को बड़ी शिद्दत से शहरवासियों ने किया याद। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश।